हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं पोको के X4 प्रो 5G फोन में गेमिंग टेस्ट और देखने वाले हैं कि क्या आप लोग के लिए फ़ोन ये गेमिंग के पर्पज़ से सही होने वाला है या नहीं, क्योंकि ये लो प्राइस जो काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन है 15,999 रुपये में ये सेल में देखने को मिल जाता है 6GB 64GB वेरियंट। और इसमें कैमरा प्रोसेसर सभी चीज़ देखते हैं काफ़ी अच्छा मिल जाता है। कैमरा देखते हैं 64 मिल जाता है फ्रंट में 16 MP और प्रोसेसर आपको कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 695 मिल जा रहा है जो कि एक 5G प्रोसेसर और ये 6 नैनोमीटर पर वर्क करता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसका अंतत्व स्कोर भी निकल करके काफ़ी ज़बरदस्त आता है, 4,10,000 देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस लेकर के कि ये फ़ोन आपके लिए गेमिंग के मामले में सक्सेसफुल है या नहीं। वैसे तो इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जा रहा है, तो आपको स्मूथनेस वर्क तो करेगा, ये तो तय है। बस देखना ये है कि ओवर हीट और लैग का इशू इस फोन में देखने को आता है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से इसका करते हैं गेमिंग टेस्ट। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग जानते हैं मेरा फेवरेट गेम है फ्री फायर, तो चलिए फ्री फायर को करते हैं ऑन और देखते हैं कि जैसे आप लोग को सेटिंग कितना तक अनलॉक का ऑप्शन दिया जा रहा है और आप लोग को गेमिंग का एक्सपीरियंस कैसा देखने को मिलता है। चलिए फटाफट से हो रहा है ऑन, और जब तक हमारा फ्री फायर ऑन होता है, यदि आप लोग किसी और चीज़ का वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कैमरा टेस्ट हो, बैटरी ड्रेन हो या फिर कोई और गेम का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका कर दूंगा। चलिए ऑन कर लेते हैं फटाफट से। और इसे मैं गेस्ट के रूप में ही किया हूँ क्योंकि ये फ़ोन मुझे ज़्यादा दिन अपने लिए यूज में नहीं रखना है, तो चूँकि इसलिए मैं इसमें सभी चीज़ को ओपन नहीं करूँगा। चलिए 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 डिस्प्ले में जाकर देखते हैं ग्राफिक कितना तक मिल जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हाई ग्राफिक पे आप लोग कर सकते हैं, FPS भी आपका हाई हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप लोग को डिस्प्ले जितना तक हाई ग्राफिक में एक्स्ट्रा में स्मूथनेस के साथ में आप लोग लॉक को ओपन कर सकते हैं। तब चलिए एक बार गेम प्ले भी कर लेते हैं और देखते हैं कि आप लोग को कैसा इसका क्वालिटी वाइज देखने में मिलता है। तो हमारा वीडियो हो रहा है, गेम हो रहा है शुरू, और 300 क्वाइन भी इनाम में मिल गया है। तो एक बात मैं और बतला देता हूँ आप लोग, वीडियो में सिर्फ इसका जो है क्वालिटी पर्पस पे ध्यान दीजिएगा, मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस पे मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे गेमिंग करना नहीं आता है। मैं सिर्फ आप लोग के लिए गेमिंग टेस्ट का वीडियो लाया हूँ जिसमें आप लोग ग्राफिक वगैरह इसका देख लीजिए, फ़ोन में किस तरह से आपका ये वर्क कर रहा, लैग कर रहा या नहीं, फील्ड वगैरह सही एकदम दिख रहा है या नहीं, ये चीज़ सब आप लोग देख लीजिए आप लोग के लिए ये फ़ोन सही होने वाला है या नहीं, ये मैं आपको बताऊँ। गेमिंग का मेरा जज मत कीजिएगा क्योंकि गेमिंग में मैं काफ़ी वीक हूँ। चलिए फटाफट से भाग भाई भाग, छत पे चल। अरे यार सेट, देखिए ये मेरे में एक वीकनेस है, जाना कहीं और आता है, पहुँच कहीं और जाता हूँ, सीधा नीचे पहुँच गया था। चलिए देख लेते हैं, अब कितना भी कमज़ोर हैं तो अगर बिना लॉगिन आईडी के खेल रहे तो सामने वाला भी तो कमज़ोर होगा, लेकिन हेल्थ तो मेरा डाउन अच्छा खासा कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि सामने वाला बंदा है अच्छा प्लेयर। चलिए गया, और आप लोग ग्राफिक देखिए काफ़ी क्लीन ग्राफिक है, आप लोग को जब भी आप लोग हाई ग्राफिक देख लीजिएगा। अभी तक मुझे ये चीज़ तो देखने को मिला है कि वाकई में ये जो क्वालकॉम का 695 प्रोसेसर है ये एक बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है। यदि आप लोग गेमिंग के पर्पज़ से लेना चाहते हैं, BGMI, फ्री फायर ये सब खेलते हैं, तो आपको ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होने वाला है, डे टू डे वर्क और हैवी टास्क वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा ये प्रोसेसर होने वाला है, इससे कोई शक नहीं है। तो आप लोग गेमिंग के पर्पज़ से या कैमरा के पर्पज़ से ये फ़ोन परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ हैवी मिला है, ये तो मैंने देख लिया है। और हीटिंग का इशू मुझे अभी तक में बिल्कुल भी थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं, अब आप लोग कहिए कि ये नया फ़ोन है इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो मैं इसका 1 महीने यूज करने के बाद भी एक बार आपको गेमिंग टेस्ट का दिखला दूंगा, ऐसा नहीं है, 1 महीने के बाद भी मैं इसका गेमिंग टेस्ट करके एक बार दिखला दूंगा। देखिए देखिए काफ़ी प्रॉपरली एकदम फास्टली वर्क करता है, इसमें कहीं भी आपको लैग वगैरह का इशू कहीं आपको नहीं देखने को मिल सकता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। मैं जब भी फुर्सत में रहता हूँ यही गेम खेलता हूँ, फ्री फायर मुझे ज़्यादा ही पसंद है तो इस कारण से। तो चलिए आज इसी पे देखा जाए मोबाइल का टेस्टिंग करके, और अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा पोको का C31 का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो यदि आप लोग को लो प्राइस का कोई स्मार्टफोन लेना होगा
तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि थैंक्स। इसका भी प्राइस जो है 6,999 रुपये पड़ रहा है, 7,000 मात्र। तो उसका भी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो कल के डेट में लाने वाला हूँ, और उसमें भी आपको गेमिंग टेस्ट हो, बैटरी ड्रेन हो, कैमरा टेस्ट हो, सभी चीज़ का मैं उसमें रिव्यू करके बतलाने वाला हूँ कि आप लोग के लिए क्या क्या लगने वाला है। ये बंदा शायद ऑफलाइन है, नहीं खेल रहा है। तो इस बार भी मेरा 2 किल तो हो गया है, चलिए 4 हो गया कुल मिला के। गेमिंग चैनल होता तो अभी इस वीडियो से मज़ा आ जाता, क्योंकि कोई भी देखता तो कहता हाँ भाई खेलने वाला प्लेयर है। बट अफसोस इसमें गेमिंग प्लेयर गेमिंग चैनल नहीं है मेरा, ये मेरा मोबाइल का है, तो मैं मोबाइल से रिलेटेड ही इसमें आपको जानकारी दे सकता हूँ। बट कुल मिला के यही कहूँगा कि ये फ़ोन ऑल इन वन है, इसको आप लोग आँख मूंद के परचेस कीजिए, ये आपको धोखा नहीं देने वाला है, ये अपने हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। इसको अगर मुझे रेटिंग देने के लिए कहिएगा तो मैं 5 में 5 रेटिंग दूंगा, कोई शक नहीं है इसमें कि कहीं भी आपको इससे कटौती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने तरफ से पूरा फुल इसमें जो जितना बेस्ट हो सकता है उतना तक इस फ़ोन में दिया गया है। वैसे तो एक्चुअल प्राइस इसका आप लोग जानते हैं कि 19,000 रुपये है, 6GB 64GB का, बट आपको ऑफर में ये मिल रहा है मात्र 15,999 रुपये, मतलब 16,000 में। अभी भी आप लोग परचेस कीजिएगा तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 16,000 में देखने को मिल जाएगा। ये नहीं है कि मैंने खरीदा है तभी, अभी भी आप लोग परचेस कीजिएगा तो आपको इसी प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, और मेरा अगर सजेशन मानिएगा तो कभी भी फ़ोन ख़रीदते हैं और ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टोरेज का जगह का ज़रूरत नहीं है तो आप लोग 64 ही लीजिए, क्योंकि बाद में एक्सचेंज वगैरह करते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा इससे फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। और बाहरी साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बाहर का साउंड वगैरह आ रहा होगा, तो इसको इग्नोर करके थोड़ा आप लोग वीडियो पर ध्यान दीजिए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब का ही ज़रूरत होता है, और आप लोग के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। चलिए फाइनल राउंड है, देखते हैं। जब इतना तक आप लोगों ने देख ही लिया तो एक बार देख लेते कि कौन विनर होता है। और आप लोग देखिए कितना अच्छा फील्ड एकदम क्लीन दिख रहा है, घास वगैरह देख सकते हैं, कहीं से आप कोई दिक्कत नहीं। चोरी इसको करते हैं, डैमेज पूरा हम दिए, किल मिल गया किसी और को, खैर कोई ना, जब हम लॉग इन नहीं आईडी किए हैं तो किल कोई ले हमको क्या जाता है। देखिए सही मायने पूछिए तो इतना दिन से मैं मोबाइल का अनबॉक्सिंग वगैरह रिव्यू करता हूँ, बस महीने में 2-4 ही देखने के लिए होता है जो कि एकदम भरोसे पे खड़ा उतरे। तो ये फोन वैसे ही है कि आप लोग के भरोसा पे खड़ा उतरने वाला है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस फोन में डिसअपॉइंटमेंट कुछ ऐसा हो कि आप लोग को नज़रअंदाज करने का ज़रूरत हो। तो निगेटिव पर्सन इसे कुछ नहीं, सभी चीज़ अच्छा है, बस बैटरी थोड़ा सा फास्टली गेमिंग के दौरान डाउन होता है, बट चार्जर भी 67 वाट दिया गया है तो उसको मैनेज करने के लिए इसे तो दिक्कत है नहीं। और हम लोग गेम तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग गेम के पर्पज़ से ये फ़ोन ले सकते हैं। इसमें मैंने देखा इतना देर गेम प्ले किया, इससे पहले भी मैंने गेमिंग टेस्ट करके देखा था, बिल्कुल भी इसमें ओवर हीटिंग का इशू नहीं आता है, थोड़ा भी आपको हीट वगैरह का महसूस नहीं होगा। अगर लगातार 2-3 घंटा खेलते हैं तो नॉर्मल हीटिंग देखने को मिलता है, तो गेमिंग के पर्पज़ से ये फ़ोन बेस्ट होने वाला है। वीडियो यदि यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, धन्यवाद।